हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, द हिंदू का एडिटोरियल है 11 सितंबर 2019 वेंसडे। देखिए, यहाँ लिखा है फैक्टरिंग, फैक्टरिंग इन सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें हैं जो फैक्टर होती हैं, फैक्टर मतलब उसका कारण बनती हैं, कारक है, तो उसके बारे में कुछ बात है। तो देखिए, मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्गर वर्कर सेफ्टी लॉ। अब देखिए, मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये हमारा एक्सीडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, और यहाँ जो पॉइंट लिखा है ये वर्ब का काम कर रहा है, तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। अगर ये एक्सीडेंट होता तो ये पॉइंट्स होता, तो ये जो इतने जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं ये पॉइंट करते हैं, मतलब उस तरफ हमें पॉइंट करते हैं, टू द नीड, एक ज़रूरत की तरफ पॉइंट करते हैं। किसकी ज़रूरत? फॉर ए स्ट्रॉन्गर वर्कर सेफ्टी लॉ, यानी कि बहुत ही मजबूत वर्करों की सेफ्टी के लिए जो लॉ है, उस लॉ की ज़रूरत की तरफ ये जो एक्सीडेंट्स हमें पॉइंट करते हैं, केंद्रित करते, उधर ले जाते हैं। इट मीन्स कि एक अच्छा लॉ होना चाहिए। अब देखिए, इंडियाज रेकर्ड, इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, रिकॉर्ड मतलब नाउन, रिकॉर्ड अगर उसमें एक्शन आ जाए, तो इंडियाज रिकॉर्ड इन प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिमेन्स वीक इवन विद ईयर्स ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ फुल स्टॉप है। देखिए, इंडिया लिखा है ना, इंडिया का जो रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है? इन प्रोमोटिंग ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि वो कितना ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी होता है, जहाँ लोग काम करते हैं उसकी जो सेफ्टी होती है, तो उसको प्रमोट करने का जो रिकॉर्ड है रिमेन्स वीक, वो हमेशा वीक ही रहा है। रिमेन का मतलब रहना, होना, बरकरार रहना, वो वीक है, कमज़ोर है, यानी कि सेफ्टी के मामले में कमज़ोर है। इवन यहाँ तक कि विद ईयर्स ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर सालों का हम मजबूत एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, रोबस्ट मतलब एकदम स्ट्रांग, मजबूत, तो इस मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इवन विद, इसके साथ भी ये जो प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी है ये कमज़ोर है, यानी कि ग्रोथ हुआ है बट सेफ्टी नहीं है, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं, मेकिंग वर्क एनवायरमेंट्स सेफर इज अ लो प्रायोरिटी। साफ साफ दिख रहा है ये कि वर्क का जो एनवायरमेंट होता है उसको सेफर, उसको एकदम सुरक्षित बनाने की जो प्रक्रिया है, इज लो प्रायोरिटी, वो बिल्कुल उस पर कम ध्यान है, उसमें प्रायोरिटी कम है। ऑल्दो द प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलवेज बीन क्लियर। अब इसमें लिखा हुआ है कि यद्यपि जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स है ऑफ सच इन्वेस्टमेंट्स, अगर इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट होगा कि अच्छा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा, अगर हम अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे तो अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, तो ये हैव बीन ऑलवेज क्लियर, ये हमेशा से क्लियर रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लो प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये जो ऑल्दो देख रहे हैं ना, ऑल्दो और यह कॉमा, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है सेंटेंस, कि यद्यपि ऐसा है फिर भी वैसा है, इस चीज़ को तो उस तर्ज में बोला गया। देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेज आर फ्रिक्वेंटली सीन इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फेटेलिटीज एंड इंजरीज। पहले यहां तक देखते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, आर फ्रिक्वेंटली सीन, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, वो देखे जाते हैं, लगातार देखे जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, ये एडवांस स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ मतलब के रूप में, तो किसके रूप में देखे जाते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ फेटेलिटीज, फेटेलिटीज यानी कि फेटेलिटीज मतलब जो मौत हो जाती है कोई दुर्घटना के कारण, तो बहुत बड़े संख्या में मौत हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, तो ये इसका रिजल्ट है कि भाई आप सेफ्टी पे ध्यान नहीं दोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके जो रिजल्ट है वो यही रिजल्ट है कि मौत के रूप में, घायल लोगों के रूप में आपको दिखाई देगा। बट लेकिन इन अ मार्केट दैट हैज अ स्टडी सप्लाई ऑफ लेबर, अब लिखा है कि ऐसे मार्केट में, यहाँ दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, That has a steady supply of labor, जिसमें लेबर की सप्लाई एकदम स्टडी है, बरकरार है, स्टडी मतलब जो एकदम नियमित रूप से चलता रहे, तो ऐसे मार्केट में पॉलिसी मेकर्स टेंड टू इग्नोर द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ सच लॉसेस। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये सब पॉलिसी बनाते हैं, जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, तो पॉलिसी मेकर्स टेंड टू इग्नोर, टेंड मतलब उनकी प्रवृत्ति सी हो गई है टू इग्नोर
द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ सच लॉसेस, इतने बड़े लॉस का इस तरह के जो लॉस है उसका जो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। इट मीन्स कि पॉलिसी मेकर्स इसको मतलब इग्नोर करते हैं कि छोड़ो यार, बस काम पे ध्यान दो, सेफ्टी को मतलब माइनॉरिटी समझते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। अब इसमें सिखाने को बहुत कुछ है, 10-2 में सिखा सकता हूँ, ऑल दो सिखा सकता हूँ, पहले थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, इट विल बी नो सरप्राइज देयरफोर, तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, इतना सब कुछ जो है तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इफ द डेथ्स ऑफ 4 पीपल, कि अगर जो 4 लोगों की डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग अ सीनियर ऑफिसर, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर भी थे, कहाँ पर हुई, इन अ फायर, आग लग गई थी एट द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन गैस फैसिलिटी इन नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में ये जो कंपनी है इसमें आग लग गई थी, जिसमें 4 लोग मर गए थे, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर भी था। और द ट्रेजिडी, और जो दुखद घटना थी, दैट किल्ड नियरली 2 dozen people, जिसने, यहाँ दैट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने मार दिया लगभग 2 dozen लोगों को एट अ फायर क्रैकर फैक्ट्री, यानी कि जो फायर क्रैकर फैक्ट्री होती है, पटाखे वाली फैक्ट्री होती है, इन बाटला पंजाब, तो पंजाब में जो बाटला है वहाँ पर इतने सारे लोग मर गए। आर क्विकली फॉरगॉटन, ये बिल्कुल भूल जाया जाता है, ये फॉरगेट हो जाता है, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। देखने कि इफ के बाद इतना दिखाया गया कि इफ ये जो चीजें हैं आर, तो इफ दीज थिंग्स आर क्विकली फॉरगॉटन, तो अगर ये चीजें भूल जाए तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। इट विल बी नो सरप्राइज, क्यों, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी देते ही नहीं। तो यहां तक तो सिर्फ बुराई की गई है पॉलिसी मेकर्स की, और दिखाया गया है कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अब देखिए, सच इंसिडेंट्स, इस तरह की जो घटनाएं हैं, मेक इट इम्पेरेटिव, इसको बिल्कुल अनिवार्य बनाती हैं, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अबैंडन इट्स रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू द चैलेंज। अब इस तरह की जो घटनाएं हैं ये किस चीज को इम्पेरेटिव करती है, अनिवार्य बनाती है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें अबैंडन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इट्स रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू द चैलेंज, कि इस तरह के चैलेंज को बड़ा वो रिड्यूस कर देते हैं, कम आंकते हैं, कम समझते हैं, तो इस तरह उसको छोड़ करके क्या करना चाहिए, एंड इंगेज इन सीरियस रिफॉर्म, और वाकई एक सीरियस सुधार में अपने आप को इंगेज करना चाहिए, यानी कि बस रिड्यूस कर दो इसके अप्रोच को कि हाँ ये तो होता रहता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर समझाया गया। अब मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि सच इंसिडेंट्स मेक इट इम्पेरेटिव, यहाँ तक सही, कि अनिवार्य बनाते हैं, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अबैंडन, कुछ अजीब नहीं लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अबैंडन, यहाँ पर या तो शुड अबैंडन होना चाहिए या ये अबैंडन्स होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम सब्जंक्टिव मूड कहते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। ऐसे चीज़ों में हमेशा कहीं पर इम्पेरेटिव, इसेंशियल, इम्पॉर्टेंट ऐसा लिखा होगा, यहाँ दैट आपको दिखाई देगा, उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आपको सिर्फ बी दिखाई देगा, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका नियम है कि चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, प्लूरल हो, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही दिखाते हैं, प्लूरल में दिखाते हैं, गवर्नमेंट अबैंडन, और अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो शुड लगा दीजिए कि गवर्नमेंट शुड अबैंडन, गवर्नमेंट को अबैंडन कर देना चाहिए अपने इस तरह के अप्रोच को, कि चैलेंज को आप मानते नहीं हो, रिड्यूस करते हो, ये बात कही गई। चलिए आगे देखते हैं। देर इज नॉट मच एविडेंस, कोई भी ज्यादा एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, हाउएवर, फिर भी, ऑफ प्रोग्रेसिव मूव्स, ऐसा कोई सबूत नहीं कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव कदम उठाया गया हो, कोई प्रोग्रेसिव जो प्रगति वाला जो कदम होता है ऐसा उठाया गया हो, प्रगतिशील कदम, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। अब देखिए, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, अब ये है जो ये नया जो कानून बना है वो है कि द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये पूरा का पूरा है जो 2019 में इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ इन जुलाई में, टू कंबाइन 13 एग्जिस्टिंग लॉ, और इसने 13 जो पहले से मौजूदा लॉ थे सबको कंबाइन करके एक बना दिया गया रिलेटिंग टू माइंस। अब जो लॉ थे वो किससे संबंधित थे, माइंस से, फैक्ट्रीज, डॉक वर्कर्स, अभी कैटेगरी दिया हुआ है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से, इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे कम से कम 13 तरह के ऐसे एग्जिस्टिंग लॉ बने हुए थे, उन सबको कंबाइन करके एक बना दिया, क्या नाम है इसका, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये बना दिया गया।
तो ये जो चीज है पेज लिटिल अटेंशन, अब इसकी भी एक कमी दिखाई जा रही है कि कोड आपने बना तो दिया बट इट पेज लिटिल अटेंशन, ये बहुत ही कम फोकस देते हैं टू द सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर, कि सेक्टर बाय सेक्टर जो वर्कर की रिक्वायरमेंट है उस पर कम फोकस देते हैं। अब इसकी भी कमी देख लो भाई, यहाँ लिखा है कि वन ऑफ इट्स मेजर शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग मतलब कमी, तो इसकी जो सबसे बड़ी, जो बड़ी कमियों में से जो एक है, देख रहे वन ऑफ इट्स मेजर शॉर्टकमिंग्स, बड़ी कमियों में से जो एक कमी है इज दैट फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी कमिटीज, कि भाई सेफ्टी कमिटी को बनाया जाएगा, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, कुछ सेफ्टी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, द लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की बात की जा रही है, द लेटर इन द केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद 500 वर्कर्स, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है वो कंपनी, वो संस्था, तो जिस संस्था में 500 वर्कर होंगे तो वहां पर क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, मतलब इतने सेफ्टी ऑफिसर्स को हायर किया जाएगा उस कंपनी में जहां पर 500 वर्कर्स होंगे। तो ये जो है इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो अच्छा बनाया लेकिन क्या गलती कर दी कि इसको छोड़ दिया लेफ्ट, ये लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर, उसके विवेक पर, उसके समझदारी पर छोड़ दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तब वो इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। तो इसको एक कमी माना गया है कि एक तरफ आपने ये अच्छा काम किया बट इसको स्टेट गवर्नमेंट की बुद्धि पे क्यों छोड़ दिया, इसे एकदम मैंडेटरी कर देते तो इसको कमी के रूप में दर्शाया गया है। कि एक तरफ ये खुशी की बात है कि ये जो 2019 वाला ये जो कोड बन के आया है, ये लॉ जो 13 कानून को मिलाकर एक हुआ है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें क्या कमी है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स है और ये जो कमेटी का गठन है इसको आपने स्टेट गवर्नमेंट के विवेक पर छोड़ दिया है कि वो चाहेगी तो वो करेगी। तो ये समझ में आ गया, एविडेंटली जाहिर तौर पे द नैरो स्टिपुलेशन ऑन सेफ्टी ऑफिसर्स कन्फाइंस इट टू अ स्मॉल फ्रैक्शन। अब है कि नैरो स्टिपुलेशन का मतलब होता है कि वो जो नियम, जो कानून बने हैं, स्टिपुलेशन जो है, कंडीशन जो है, वो बहुत ही नैरो है, संकीर्ण है, तो ये जो स्टिपुलेशन है उन सेफ्टी ऑफिसर्स पर कन्फाइंस इट, तो इस कानून को कहीं ना कहीं सीमित कर देता है टू अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है उस पर सीमित कर देता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द फैक्ट्रीज एक्ट, जो फैक्ट्री एक्ट है करेंटली मैंडेट्स, वो बिल्कुल मैंडेट करती है, वो एकदम आज्ञा देती है, ऐसा कहती है अपॉइंटमेंट ऑफ अ बायपार्टी कमेटी, कि आपको बायपार्टी कमेटी का अपॉइंटमेंट करना होगा, मतलब द्विपक्षीय कुछ होता है ना, बायपार्टी जो द्विपक्षीय कमेटी रखनी होगी, मतलब द्विभाजित, क्या मैं बोलूँ इसको, बायपार्टी जो दो पार्ट में, ऐसे देख लीजिए बायपार्टीज का मतलब है दो पार्ट में, तो बायपार्टिट कमेटी, दो पार्ट वाले कमेटी का गठन करना होगा इन यूनिट्स, ऐसे यूनिट में दैट एम्प्लॉय हजार्डस प्रोसेस और सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे यूनिट जहाँ पर खतरनाक प्रोसेस या खतरनाक जो तत्व होते हैं, जो चीज़ें केमिकल्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की बायपार्टिट कमेटी का गठन करना होगा, विद एग्जेम्पशन बीइंग द एक्सेप्शन, और ऐसे कंपनी में जहाँ पर वो एकदम एग्जेम्पशन है, छूट है, ऐसा लगता है कि वो एक अपवाद सा बन गया है कि इतने खतरनाक चीज़ें रहती हैं और वो बस उसमें कोई चेक करने वाला नहीं, एकदम छूट मिली हुई है, तो वहाँ पर आपको ये बिल्कुल ज़रूरी है फैक्ट्री एक्ट के तहत कि बायपार्टिट कमेटी होना चाहिए। दिस प्रोविज़न, ये जो प्रावधान है, क्लियरली रिक्वायर्स रिटेंशन इन द न्यू कोड। अब इस तरह के जो प्रावधान बने हैं तो इसको रिटेंशन है कि जो नया जो कोड बना है, जो लॉ बना है, इसमें रिटेंशन होना चाहिए। रिटेंशन मतलब रिटेन रहे, कायम रहे, ये होने की ज़रूरत है, नहीं होगा तो फिर वही बात है, प्रायोरिटी कम होगी। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट इज अ बेसिक राइट, यानी कि एकदम सेफ, सुरक्षित जो वर्क एनवायरनमेंट है वो सबसे बड़ा हमारा राइट है, अधिकार है। एंड इंडियाज रिसेंट डिकेड्स ऑफ हाई ग्रोथ, अब इंडिया का जो हाल फिलहाल के जो दशक है ऑफ हाई ग्रोथ, जिसमें काफ़ी हाई ग्रोथ हुई है, शुड हैव अशर्ड इन अ फ्रेमवर्क गारंटी, तो उसको एक फ्रेमवर्क ऑफ गारंटी, गारंटी की जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उसमें उसको जाना चाहिए, कहीं ना कहीं गारंटी मिलनी चाहिए कि भाई अगर आप दशकों से हाई लेवल ग्रोथ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ्टी भी जरूरी है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव नॉट फेल्ट इट नेसेसरी, सक्सेसिव का मतलब है कि जब एक के बाद एक जो गवर्नमेंट आती है तो उस गवर्नमेंट ने हैव नॉट फेल्ट इट नेसेसरी, उसको कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं, टू रेटिफाई मेनी फंडामेंटल कन्वेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
मतलब ये जो ILO है, जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके जितने भी जो फंडामेंटल कन्वेंशन होंगे, जो लॉ होंगे, जो रीति रिवाज, जो नियम होगा, उसको कभी भी मंजूर करने पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, रेटिफाई करने में ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं. देख रहे हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव नॉट फेल्ट इट नेसेसरी टू रेटिफाई मेनी फंडामेंटल कन्वेंशन. इतने जो भी जो बेसिक कन्वेंशंस हैं, जो बने हैं नियम कानून इसके, ये जो ILO है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने, जो कि कवर करता है, कवरिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर सेफ्टी, कि या तो मतलब जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, जो ऐसी कंपनीज है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, या जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ वैसे भी लोग काम करते हैं, जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करती, तो उन सबको कवर करता है. तो उसके कुछ रूल बने हैं कि ऐसा फॉलो करना करना है, तो उस पर गवर्नमेंट ने कभी ध्यान ही नहीं दिया. इंक्लूडिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981, 81 में भी एक ऐसा कन्वेंशन बना था, वो भी उसमें मौजूद है, ये गवर्नमेंट ढीली पड़ जाती है. तो दोज ILO इंस्ट्रूमेंट्स कवर सेवरल एरियाज ऑफ एक्टिविटी. तो ये जो ILO के जितने भी फंडामेंटल कन्वेंशन बने हैं, ये कवर करते हैं, कहा गया, कवर सेवरल एरियाज ऑफ एक्टिविटी. तो एक्टिविटी के जो कई एरिया हैं, उस सबको कवर करते हैं. दैट द NDA गवर्नमेंट्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड नाउ सीक्स टू अमेलगमेट. अब कह रहा है कि जो NDA गवर्नमेंट का जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड आया है, अभी ये कोड चाहता है कि सबको एक मिश्रित कर दे, अमेलगमेट कर दे. तो ये बात की जा रही है कि तो पहले से है, दोज ILO इंस्ट्रूमेंट कवर, वो तो काफ़ी एरिया कवर करता है, और NDA गवर्नमेंट अब एक ऐसा कुछ बना रही है. तो कहने का मतलब, कानून तो पहले से भी था, लेकिन इस पर गवर्नमेंट सही ध्यान नहीं दे रही थी, इसको नेसेसरी नहीं समझ रही थी. बट विदाउट द सिस्टेमिक रिफॉर्म दैट इज नेसेसरी टू एम्पावर वर्कर्स. अब ये है कि ये जो कोशिश कर रही है NDA गवर्नमेंट कि बिल्कुल इसको सबको मिश्रित कर दे, सब अच्छा हो, बट विदाउट सिस्टमेटिक रिफॉर्म. लेकिन कोई सिस्टमेटिक रिफॉर्म हो ही नहीं रहा, सिस्टम में सारे लोग ऐसे ही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो रिफॉर्म नहीं हो रहा है. दैट इज नेसेसरी टू एम्पावर वर्कर्स. अगर वो रिफॉर्म हो जाएगा, सिस्टम में अगर सुधार होगा, जो कि बहुत नेसेसरी है टू एम्पावर वर्कर्स, वर्कर्स को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए बहुत ज़रूरी है. यानी कि कानून है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे, प्रायोरिटी कम दे रहे, ये बात है. इट इज इसेंशियल देयर फॉर दैट. देखिए फिर आ गया ना, इसेंशियल आ जाए, इम्पॉर्टेंट आ जाए, इम्पेरेटिव आ जाए, उसके बाद अगर दैट हो, तो उस दैट के बाद जो सेंटेंस होगा वो सब्जंक्टिव मूड में होता है. तो देखिए, इट इज इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दैट द न्यू कोड गो बैक. अभी जो गो बैक है, या तो शुड होना चाहिए यहाँ पर, अगर अभी आजकल की इंग्लिश में देखिए तो शुड गो बैक होना चाहिए. अगर शुड नहीं लगाएंगे तो फिर ये सब्जंक्टिव मूड है. तो कहने का मतलब है कि ये महत्वपूर्ण है कि जो न्यू कोड है शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. तो ये जो नया कोड है भैया, इसको वापस जाना चाहिए उसी ड्राइंग बोर्ड में. किस लिए जाना चाहिए? फॉर केयरफुल स्क्रूटिनिटी, की सही स्क्रूटिनिटी, ताकि सही से इसका स्क्रूटिनिटी हो, सॉरी स्क्रूटनी हो, सॉरी स्क्रूटनी मतलब जांच हो बाय एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि जितने भी बड़े बड़े जो पार्लियामेंट में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके द्वारा फिर से जांच हो. एडेड बाय फ्रेश इनपुट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो मतलब जो एम्प्लॉयज के द्वारा जो फ्रेश इनपुट्स है वो लिया जाए, एम्प्लॉयज एंड एक्सपर्ट्स. थोड़ा मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कोड है, ये कोड सही नहीं, ये न्यूज़पेपर ये कह रही है, ये दोबारा वहाँ जाए ड्राइंग बोर्ड में, जहाँ इतने सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे, कुछ एम्प्लॉयज से पूछा जाए, किसी से पूछ करके उसमें सुधार किया जाए. इंडस्ट्रीज दैट यूज़ हजार्डस प्रोसेस. अब यहाँ लिखा है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही खतरनाक प्रोसेस या केमिकल्स को यूज़ करते हैं, केमिकल्स डिजर्व पर्टिकुलर अटेंशन, उन्हें तो भैया एकदम एक खास अटेंशन की ज़रूरत है. एंड द कोड मस्ट हैव क्लियर डेफिनेशन. और ये जो कोड बना है 2019 में, इसमें एकदम साफ साफ क्लियर डेफिनेशन होना ही चाहिए. स्पेसिफाइंग लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर फॉर वर्कर्स, उसमें ये स्पेसिफाई होना चाहिए कितनी लिमिट है, कि कितने मतलब कितने दूर तक वर्कर एक्सपोज हो सकते हैं उस केमिकल से, जहाँ इतने हाई लेवल के केमिकल है, तो इतना काम करे इतना ना करे, तो ये सब कुछ है ही नहीं, तो ये होना चाहिए. कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी, अगर सेफ्टी पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कैन लीड टू एक्सट्रीम कंसिक्वेंस, ये आपको बहुत हाई लेवल के रिजल्ट में ले जाएगा. दैट गो बियॉन्ड फैक्ट्री, जो भैया फैक्ट्री से भी बाहर है, एंड लीव समथिंग दैट इज एच्ड इन द नेशंस मेमोरी. और ये अगर आप सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ ऐसा छोड़ देगा, लीव समथिंग, कुछ ऐसा छोड़ देगा दैट इज एच्ड
एच्ड का मतलब नहीं होता, जैसे पेड़ वेड़ पे आप देखते हैं कोई अपना नाम लिख देता है, लव दिल बना देता है, तो एक उभार आता है ना, तो इस तरह का एक उभार रख देगा इन द नेशंस मेमोरी, राष्ट्र के मेमोरी में, एज इन द केस ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर, जैसा कि भोपाल के गैस डिजास्टर में हुआ वैसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के तो यहाँ बस यही बात बताई गई है कि ये जो नया रूल बना है वो बन के भी सही नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और पहले से बहुत सारे रूल थे लेकिन गवर्नमेंट ध्यान देगी तभी तो कुछ होगा, बस यही बात बताई गई है। अब यहाँ अगर मैं सिखाने की बात करूँ तो लीड टू मैं सिखा सकता हूँ, टेंड टू सिखा सकता हूँ, ऑल दो सिखा सकता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। लीड टू, अब इसका इस्तेमाल हुआ ना कि लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, लीड टू का मतलब है ले जाना, वैसे तो लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, लीड से लीडर बना है, कहने का मतलब है कि ये एक लड़का है, मान लीजिए अगर ये लड़का कोई बैड एक्टिविटीज कर रहा है, मान लो किसी लड़की को छेड़ रहा है कुछ, ये कमेंट कर रहा है, तो ये इसकी जो एक्टिविटी है ये इसे ले जाएगा जेल में, ये लड़का जेल में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता ना कि तुम्हारी बैड एक्टिविटीज, योर बैड एक्टिविटीज तुम्हें ले जा सकती है, कैन लीड यू, तुम्हें ले जा सकती है टू जेल, जेल ले जा सकती है। तो इस तरीके से लीड का इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ये आपको लीड करेगा इस जगह पे। अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो योर योर ओवर ईटिंग हैबिट, मैं बोलूँ कि तुम्हारी जो ओवर ईटिंग हैबिट है विल, ये तुम्हें ले जाएगी, विल लीड यू टू हॉस्पिटल, ये तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, तो ये होता है लीड टू, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर एक टेंड टू का इस्तेमाल हुआ था कि गवर्नमेंट टेंड टू, ऐसे करके पॉलिसी मेकर्स टेंड टू, टेंड टू का मतलब होता है कि आपकी एक प्रवृत्ति बन गई है, प्रवृत्ति कुछ करने की, प्रवृत्ति होना, जैसे मैं बोलूँ कि आई टेंड टू टेन टू अपलोड वीडियो एट नाइट, यानी कि रात में वीडियो अपलोड करने की एक मेरी एक झुकाव है, एक प्रवृत्ति है, मतलब एक मेरी टेंडेंसी हो गई है। मैं कोई भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप भी बोल सकते हैं कि ही टेंड्स टू टेल अ लाई, टेल अ लाई यानी कि उसे झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति आदत है, तो वैसे आपका होगा कि टेंड्स टू इग्नोर, इग्नोर करने की आदत है, ये होता है। उसके बाद जो ऑल्डो है, ऑल्दो हिंदी में देखेंगे तो यद्यपि लिखा होगा, इसको ऐसे मत समझिए, ऑल्दो हमेशा कंट्रास्ट के लिए बना है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए दो तरह के सेंटेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। मान लीजिए एक लड़की है, ये लड़की थोड़ी हेल्दी है, मान लीजिए ऐसे ये फैट है, मोटी है, तो लोग इसे मोटा कह रहे, तो कहती कि हाँ मैं मोटी हूँ, तो बोलते ऑल्दो ऑल्दो आई एम फैट, यानी कि माना कि मैं मोटी हूँ, हालांकि मैं मोटी हूँ, यद्यपि मैं मोटी हूँ, जैसा हिंदी बोलिए। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा इसका विपरीत होगा, फिर भी मैं तेरे से तेज दौड़ सकती हूँ, आई कैन रन फास्टर देन यू, फास्टर देन यू, तो देख रहे हैं एक तरफ मोटी है दूसरी तरफ तेज दौड़ सकती है, तो ये कंट्रास्ट हो गया ना, एकदम डिफरेंट सेंटेंसेस हो गया, अपने आप को इसने बैलेंस कर लिया कि मोटी हूँ फिर भी यहाँ तो अच्छा है, तो एक एक अगर बैड क्वालिटी है तो एक गुड क्वालिटी होना चाहिए, और यहाँ पर कॉमा लगता है, पहले येट का लोग इस्तेमाल करते तब कॉमा लगता है, और आजकल ऑल्दो ना बोल करके आपने शायद सुना होगा लोग दो बोल देते हैं, दो दो ज़्यादा पॉपुलर है, या थोड़ा और फोकस मार दिया तो इवन दो कर देते हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।